सूरजपुर के रामानुज नगर पुलिस थाना क्षेत्र में मां ने अपने एक वर्षीय बेटी के साथ फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। दरअसल रामानुज नगर थाना क्षेत्र के खालपारा में मां और एक साल के बेटे की खुदकुशी से सनसनी फैल गई है। वही घटना की जानकारी मृतका के पति ने आज थाने में जाकर दी, जिसके बाद रामानुज नगर पुलिस मामले की जाँच में जुट गयी है। पुलिस के मुताबिक रामानुज नगर थाना क्षेत्र के खालपारा निवासी चमरू सिंह ने बताया कि उसका दो घर है, जिसमें से एक घर में वो स्वयं रहता है, जबकि दूसरे में उसका बेटा भजन सिंह अपनी पत्नी और एक बेटे के साथ रहता है। उसके बेटे ने घर आकर उसको बताया कि उसकी पत्नी और एक साल के बेटे का शव फांसी पर लटका हुआ है। सूचना पर पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जाँच में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 36 हिंदुस्तान। रामानुज नगर थाना का मामला है खालपारा का, जिसमें जो चमरू सिंह ने थाने में सूचना दिया था कि इसके दो घर हैं, जिसमें नए घर में ये स्वयं रहता था और पुराने घर में इसका बेटा और इसकी बहू सुखमैन रहती थी। आज 24 तारीख की सुबह इसका बेटा भजन सिंह इसके घर में आकर बताया कि इसकी पत्नी सुखमैन और नाती इसमें फांसी में लटके हुए हैं। मर्ग जाँच की जा रही है, आगे कार्रवाई की जाएगी। इसमें ऐसा प्रतीत होता है कि मृतका ने अपने बच्चे को मार के फांसी पे लटकाया होगा और स्वयं फांसी पे लटक गई है। ये अभी मर्ग जांच उपरांत जो भी तथ्य आएंगे वो उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कुछ जानकारी मिल पाई सर कि ऐसा करने का पीछे का कारण क्या था? ऐसा अभी प्रथम दृष्टया पता चला है कि पारिवारिक विवाद था, बाकी मर्ग जाँच के दौरान जो जैसे तथ्य आएंगे उसके आधार पर और कार्रवाई होगी।